शामली में केमिकल रिसाव के मामले में इलाज करवाकर घर लौटे बच्चों की फिर से हालत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि शुगर मिल में हुए जहरीली गैस के रिसाव से दो स्कूलों के 300 बच्चों की हालत बिगड़ गई थी, जिनमें से कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए थे, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें से कुछ बच्चों को डॉक्टरों ने घर भेज दिया, जिनमें से 50 बच्चों की हालत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन बीमार बच्चों को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल में बेड न होने पर एडमिट करने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। ये हंगामा इसलिए हो रहा है, जिस बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, ये बच्चा दोबारा फिर उसकी तबियत खराब होगी, दोबारा भर्ती होने में बड़ी दिक्कत आ रही है सर हॉस्पिटल में जी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी जी, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, डॉक्टर कह रहे हैं व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जी। व्यवस्था बनवाई है, एक बेड में दो बच्चों को शिफ्ट करा, सबको आईसीयू भर्ती करा जी, सबका ट्रीटमेंट हमने शुरू करा दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और समाज सेवी लोगों ने मामले को किसी तरह से शांत करवाकर बच्चों का इलाज शुरू करवा दिया है। शामली से सरफराज अली, पंजाब केसरी टीवी।